होलिया में उड़े रे गुलाल। तो दोस्तों होली के दिन ना होली खेल खेल के पकवान बना बना के एकदम मन थक जाता है। जब शाम होता है ना ऐसा शाम देख रहे हैं, जब 3-4 बजता है तो मन करता है कुछ चटपटा खा लें, ऐसा चटपटा हो जाए जो 5 मिनट में बन जाए। हैं आप भी सोच रहे होंगे ना, देखते बंद कर बाकी ना राहू होली से जानवर भाई रिम भी मार ले आंखों मार ले पूरा खा खा के ऐसी हालात हो जाता है, लोग बकुआ जाता है। देखिए कैसे बकुआ है और उधर पुआ पपुआ निकला रहा, चटपटा मांगा जा रहा है ये कुछ चटपटा दे दो मम्मी। हाँ तो पुआ अच्छा लग रहा ना। हाँ तो इसके साथ क्या चाहिए चटपटा? अच्छा बहुत से लोग दोस्तों देखिए पकवान खाते हैं, बहुत से लोग मुर्गा भात खाते हैं, बहुत से लोग बकरा भात खाते हैं, मतलब बहुत से जो वेजिटेरियन है भाई वो तो भाई जाहिर सी बात है पकवाने खाएंगे। और देखिए अब 5 मिनट में बनाना है कोई चीज, अब देखिए इधर बैठी हूँ आराम से, अब 5 मिनट में बनाना है तो सोचेंगे ना कि क्या बनाए कि 5 मिनट में बन जाए। तो एकदम आपको एकदम सरल टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है एकदम 5 मिनट में झंझट ना फंझट ना कुछ हो। इस साल तो हमारे खेत में आलू हुआ है ना दोस्तों, दिखा देंगे ना तो आप बोलेंगे कि मत दिखाइए। तो ऑर्गेनिक चीज है, जो ऑर्गेनिक चीज है वो कम होता है और सुंदर कम होता है मेरे जैसा। क्यों हंस रहा है ऑर्गेनिक? हम ऑर्गेनिक ना है। तो आइए दोस्तों ऑर्गेनिक चीज पहले दिखा देते हैं, नहीं तो आप वो हंसे हैं ना तो आपको दिखा देखना पड़ेगा। काय को हो गया, खा के जाना बोल रहा मम्मी हो गया मेरा। तो दोस्तों देखिए ऐसा हाल हो जाता है, ऑर्गेनिक मैं नहीं हुई है बोले हैं हम, हमको गुस्सा आ गया। तो जल्दी आ जाइए दोस्तों, देखिए इधर है हमारे खेत की आलू जिसको मैं छुपा के रखी हूँ, रोज रोज 4 इस्तेमाल करती हूँ, दिख रहा वहाँ से कैमरा से। आइए जल्दी जल्दी दिखे दोस्तों, देख रहे हैं इधर रखी हूँ इसको इस्तेमाल करने के लिए। अरे बेबी होली में तुमको कहीं उधर जाना चाहिए ना, कोई रंग ना गुलाल लगाए। हाँ छुप के रहो, जाओ जाओ छुप के रहो, चल बेबी चल 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 आई हूँ। इसका तो पहला मालपुआ है भाई, पहला त्योहार है, बेबी एंड फर्स्ट, बेबी फर्स्ट और बेबी के मम्मी सेकंड। किसे खा रहा है? खुश हो गया मम्मी मालपुआ का घर आपका। मीठा नहीं देना चाहिए ना, इसलिए ज्यादा नहीं दी, थोड़ा सा दी। अब देखिए वो ढूंढ रहा है। बोल रहा कितना अच्छा था मम्मी, मम्मी बहुत अच्छा था। बोल रहा मम्मी कहाँ था, मम्मी कहाँ से लाए मम्मी। बड़ा हो जाओ तब खाने मालपुआ। हाँ तू जाना तेरे बच्चा से क्या कर रही हूँ, सुनो 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 बड़ा हो जाओ फिर अगले साल तो इतना बड़ा हो जाओगे। गोलू गोलू एकदम जगह हो रहा है, कहाँ गया आजा। हैप्पी होली दोस्तों, तो होली का ढेर सारा शुभकामनाएं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को। तो दोस्तों देखिए ये मालपुआ अभी खा खा के सब लोग एकदम उब गए हैं। अभी डॉग को छुई थी हाथ तो धो ली हूँ, गंदा कमेंट नहीं कीजिएगा ठीक है। त्योहार को ध्यान में रखते हुए आई देखिए ये है आलू, 4 गो आलू में बनाएंगे 10 लोगों के लिए इंस्टेंट चिप्स। आप सोच रहे हो कि वो कैसे, हम आपको दिखाते हैं। जोर का झटका है धीरे से लगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये आलू कैसे इतना बड़ा हो गया है, तो ये आलू हम बाजार से लेके आए हैं। और इस आलू में वो है क्या बोलते हैं पेस्टिज खाद यूरिया है, ये हेल्थ के लिए नॉट गुड पर आंखों के लिए टच गुड। ठीक है दोस्तों ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कहते नहीं है जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन पहले के जमाने में एक मेरे को सवाल है दोस्तों आप लोगों से, एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व कर दीजिएगा। पहले के जमाने में इससे 4 गुना खेती था, मान के चलिए 4 गुना खेती था, आदमी कम था, फिर भी लोग
मतलब खाए खाए बिना परेशान रहते थे, मरते रहते थे। खाए खाए बिना खाना नहीं नसीब होता था, जल्दी खाना नहीं मिलता था, खाने के कमी लगभग जैसे मीडियम क्लास लोगों में तो लगभग था सबके घरों में, और जो अपर क्लास है उनके पास सुविधा होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मतलब 80% लोगों के पास तो खाने की दिक्कत थी भाई, पुराने जमाने की बात कर रही हूँ मैं। जबकि खेत उतना ज्यादा था, आदमी इतना कम, फिर भी कैसे हो रहा था अनाज की कमी। और आज के जमाने में देखिए, ज्यादातर लैंड बन गया है, ज्यादातर झूला बन गया है, ज्यादातर पार्क बन गया है, खेत हो गया कम, आदमी हो गया चार गुना, और खाना की कमी आज के डेट में किसी के घर में नहीं है। और मैं सच कह रही हूँ क्या दोस्तों, बताइएगा, आलू से तो जुड़ी हमारी बहुत इमोशनल स्टोरी है, मैं किसी और रेसिपी में सुनाऊंगी, आज नहीं स्टोरी सुनाऊंगी वो वाला, तो आप लोग याद दिलाइएगा तो मैं स्टोरी सुना दूंगी। आज तो मैं होली की बात करने वाली हूँ, आपके यहाँ होली कैसे मनता है और किस राज्य से हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं, कृपया करके बताइएगा जरूर। इंस्टेंट जुगाड़, टिंटर रंग दोस्तों, तो देखिए ये चिप्स कटर है, पानी में इधर आलू रखे हैं, तो चिप्स काटने वाला दो है, ये क्या काट रहे हो मम्मी? ये नया चिप्स कटर लेके आए हैं हमारे हस्बैंड जी, ये है ना काटना प्लेन वाला जी जी कुछ अच्छा नहीं रहा, नहीं थोड़ा मम्मी दबा के काटना पड़ेगा, वो काट ठीक रहा है, भुजिया बना रहा है दोस्तों, ये देखिए सही में भुजिया के लिए काटना नहीं पड़ेगा। अच्छा जिस दिन भुजिया बनाऊंगी ना, है ना काटना सही से है, पलट के घुमा के ठेंगो, ये देखो पूरा तो आपका टच ही नहीं, ऐसा हाथ टच करेगा तब ना काटेगा, ये देखो लाइन लग गया चिप्स का ये वन। तो दोस्तों चिप्स को काटने से पहले पानी डाल लीजिएगा कथरा में, दोस्तों हम लोग तो फसुल से भी काट लेते थे पहले जमाने में, जमाना बदल गया है। हमारे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि काटना नहीं आया है आपको, इसीलिए भुजिया काटी हो, दोबारा काट के देख रही, दोबारा भुजिया काट रहा है, ये लीजिए भुजिया अपना, ये पता है क्यों ऐसा क्यों दिया है, ये अच्छा वाला नहीं बनाते आलू, इसके लिए दिया है, तो पहले बताना चाहिए ना, जब से हमको नहीं देख रही है, हमको जब से बुर्वक बना रहे हैं, हम बुर्वक बना रहे हैं, खुद बुर्वक बन रही है। अच्छा दोस्तों आलू भुजिया के लिए है वो, हमको नहीं पता था दोस्तों, हम क्या बताएं, हम क्या बना रहे हैं बता सकते हैं आप, ये तो का चीज हमारे पति बोल के चले गए, बोल रहे हैं कि भकलोल नियन काम कर रही है, का नहीं बोले, आप में से कोई दोस्त हमारे बताइएगा कि हम कैसा बना रहे हैं चिप्स, तो देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कई तरह का चिप्स है, अब इसको धो लेंगे हम, तो देखिए हम सारा आलू को धो ले रहे हैं दो पानी, ठीक है, इसका माड़, ये देख रहे हैं आलू का माड़ निकल गया है, पानी नहीं दे रहे हैं, अपना बरौनी देख रहे हैं, एक बाल देखा तो नहीं है जमल बाल, तक क्योंकि याद नहीं देखा नहीं बताओ, नहीं भी ध्यान नहीं देते, तो चार पानी धो लेते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, 5 मिनट में बनेगा चिप्स। अगर आपके पास समय हो, 10-15 मिनट समय हो, तो क्या करें ना, इसी पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डाल के छोड़ दें, और 10 मिनट के बाद उसको निकाल के चिप्स बनाएं। अगर समय नहीं है मेरे जैसे, जैसे मेरे पास भी समय नहीं है आज, तो कैसे बनाएं, निकाल दो,
रुको बना दी। नसी को बेपर्दा न कर दू, होली आई रे देखो होली आई रे। ये किस चीज का जलावन है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। इसकी भी स्टोरी है, बताऊंगी कभी। और जोर दे ज्यादा ना। अच्छा, तेल बढ़िया से चढ़ा हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा दूर से ही चिप्स को डालेंगे। एक एक करके डालेंगे, नहीं तो हाथ पे ताव आ जाएगा। अच्छा खासा तेल गर्म था, तब हम एक एक करके दो दो करके डाले हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से डाले हैं। अब पूरे टाइम ये फुल फ्लेम रहेगा, देख रहा है इससे आग लगाना कितना इजी है। ऐसे मार रहा धड़ाक। जब ये ज्यादा से ज्यादा ये तल जाए, तब आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है। जैसे कि मैं अब देखिए चूल्हा थोड़ा कम जला रही, अब ये क्रिस्पी हो जाएगा अच्छा से। और उसके बाद इसको आप जैसे मर्जी खाइए। सारा का सारा चिप्स ऐसे ही बना लेंगे। एक बार का बनाने में दोस्तों 8 से 10 मिनट का समय लगता है। ये मत बोलिएगा कि आप तो बोले थे 5 मिनट बनता है, वो तो काटने में 5 मिनट लगता है। अगर आपको हम बोल देंगे कि 1 घंटा लगता है, तो आप बनाइएगा नहीं बनाइएगा ना। तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इतना क्रिस्पी बना है आपको दिखाई दी मैं। तो यह देखिए दोस्तों, चिप्स बन के हो गया तैयार। बहुत क्रिस्पी बना है। हमारे दीदी बोल रही है कि तैयार हो गए तब बांटो। आई दीदी, आई देख रहे हैं क्रिस्पी बना है, बता रहे हैं लाला जी। और ये चिप्स इतना बढ़िया है ना दोस्तों, कि एक बार आप खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इतना बढ़िया चिप्स है, जब मर्जी किया तब बना लें। तो मैं भी आपको टेस्ट करके बता ही देती हूँ, क्योंकि बचेगा तो है ही नहीं। क्रिस्पी, फुल क्रिस्पी, चटपटा तीखा भी बनाई हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त अभी न्यू आए हैं हमारे चैनल पे, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और जो भी दोस्त हमारे पुराने हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद कि इतना रेगुलर चाव से वीडियो देखते हैं और इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। तो आप सभी को हमारे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी होली दोस्तों।